Welcome everybody. In this video, we are going to discuss regarding the Quickle antivirus. तो ये वीडियो भी मैं लास्ट वीडियो की तरह हिंदी में ही क्रिएट करने वाला हूँ. सो Quickle antivirus जो इंडिया का नंबर वन एंटीवायरस है, सो आज हम बात करेंगे कि कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और कैसे हम उसके फीचर्स यूज कर पाएंगे. सो पहले हम एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं. जस्ट सर्च इन ब्राउजर क्विकल एंटीवायरस, और आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं quickle.co.in. सो जस्ट उस पर जाना है. उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लाइक क्विकल टोटल सिक्योरिटी, इसमें ऑल फीचर्स अवेलेबल है. फिर क्विकल एंटी इंटरनेट सिक्योरिटी, जो जिसमें आपको इंटरनेट रिलेटेड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पैकेज है, और ये एंटीवायरस प्रो है जिसमें आप एंटी मालवेयर, एंटी रैंसमवेयर, फायरवॉल प्रोटेक्शन ले सकते हो. बट इसमें सारे इंटरनेट सिक्योरिटी और प्रो सिक्योरिटी प्लस एंटीवायरस, मतलब टोटल सारे प्रोटेक्शन का फीचर्स आप यूज कर सकते हो. तो जस्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं विंडोज़ के रिगार्डिंग. ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़, मैक और एंड्रॉयड. फिलहाल हम इसमें करेंगे विंडोज़ में डाउनलोड फ्री ट्रायल. सेटअप डाउनलोड हो गया है. उसको जस्ट आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल कर देना है. मेक श्योर कि आप पहले कोई एंटीवायरस प्रेजेंट हो अगर सिस्टम में, क्योंकि आप एक साथ दो एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं कर सकते या सिस्टम में रख नहीं सकते. अगर इनकेस है तो वो सिस्टम के लिए हार्मफुल है. जनरली अगर पहले से कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस रहेगा तो वो इंस्टॉल करने ही नहीं देगा अदर एंटीवायरस को. बट इन केस में आपने दो एंटीवायरस रखे हैं तो वो सिस्टम के लिए सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हार्मफुल है. लेट्स वेट. Wait for some time. You will go. आप उसके बाद आप क्विकल टोटल सिक्योरिटी का इंस्टॉलेशन का विंडो ओपन होगा, जहाँ पर आप जनरली उनका जो लाइसेंस एग्रीमेंट रहता है और प्राइवेसी पॉलिसी है वो एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको इंस्टॉल करने देगा. सो क्विकल टोटल सिक्योरिटी स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट. सो अभी ये बिल्ड डाउनलोड करेगा पूरा एंटीवायरस का. मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जब तक ये डाउनलोड स्टार्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता तब तक. डाउनलोडेड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है ना. हम इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस करते हैं. अवेलेबल स्पेस इज 33207 MB, और क्विकल को रिक्वायर्ड है 700 डिस्क स्पेस फॉर द इंस्टॉलेशन. सो लेट्स कॉन्फिगर इट. स्टिल इट्स डाउनलोडिंग. अभी तक वो डाउनलोड के प्रोसेस में ही है. सो जस्ट मैं वीडियो पोज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है.
एक्चुअली ये दोनों प्रोसेस रनिंग है, मतलब डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। तो हमने जो पहला पार्ट था वो शायद डाउनलोडिंग प्रोसेस का रहेगा, अभी जो चल रहा है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर हमें डिस्क पाथ के स्पेस के बारे में बात किया था। थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। हमने बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्राम फाइल्स का पाथ जनरली बाय डिफॉल्ट कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो तो वो जनरली पाथ रहता है। अगर आपको मैन्युअली चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। अभी वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आया हुआ है। स्टील इट्स बैकएंड में प्रोसेस कर रहा है इंस्टॉलेशन का। किल टोटल सिक्योरिटी किल से अभी इंस्टॉलेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी कनेक्टिंग टू द रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं रिक्वायर्ड नाम फिलअप करना है। ईमेल एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके कंटिन्यू। डीलर, अगर आपने कोई डीलर से प्रोवाइड किया हुआ है एंटीवायरस परचेस किया हुआ है तो आपको डीलर कोड मेंशन आप वहाँ मेंशन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर विदाउट डीलर कोड आप भी प्रोसेड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नाम फिलअप कर दिया और एंटीवायरस के रजिस्ट्रेशन के रिक्वायर्ड डीलर डिटेल्स फिलअप कर दी है। जस्ट फिनिशिंग द प्रोसेस। अभी ये 15 डेज के नहीं, 1 मंथ का ट्रायल पीरियड मिला हुआ है, 7 मार्च 2022। सो लेट्स फिनिश दैट। सो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग।